सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। आज हम जो है देखेंगे टाइम टेबल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। इन दिस वी विल बी डीलिंग विथ द टाइम टेबल फॉर लीगल रीजनिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। और इसमें हम लोगों ने जो है जो स्टूडेंट्स को बाइफर्केट किया है वो किया है चार कैटेगरीज में। एक तो बिगनर्स जो कि स्कूल गोइंग है, एज वेल एज डमीज है, और एक्सपीरियंस जो कि पहले से जो है क्लैट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो कोचिंग के साथ कर रहे हो या बिना कोचिंग के साथ कर रहे हो। उनमें भी हम लोगों ने दो सब ग्रुप्स में उनको बांटा है। एक वो जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं विद द स्कूल एंड द अदर्स हु आर ड्रॉपर्स और डमीज। सो लेट्स क्विकली डाइव इनटू दिस लीगल रीजनिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में लीगल रीजनिंग के लिए आपको क्या क्या करना है उसमें हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे, और साथ ही साथ एक टाइम टेबल भी जो है, जो फिजिबल टाइम टेबल वो भी हम देखेंगे। पहला है क्लैट एस्पिरेंट्स को हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है किस किस में। एक तो है बिगनर्स विद स्कूल, वो लोग जो अभी अभी जो है जिन्होंने क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की है या फिर वो स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, पहला ग्रुप वो हो गया। सेकेंड ग्रुप इज दैट जो कि बिगनर है और साथ ही साथ ड्रॉपर्स है या डमीज है, या तो वो 12th पास है या फिर जो है अभी वो 11th में आया है लेकिन उन्होंने डमी ले रखी है। तो वैसे थर्ड जो है जो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है वो है एक्सपीरियंस विद स्कूल, मतलब उनको जो है एक थोड़ा बहुत टाइम हो गया है क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हुए, तो वो जो क्लैट का पेपर है उससे जो है वो वेल वर्स है कि कैसे आता है, लीगल रीजनिंग को कैसे टैकल किया जाता है, जो बाकी के सेक्शंस होते हैं उनको कैसे टैकल किया जाता है वो इसमें बता रखा है। थर्ड इज एक्सपीरियंस विच आर ड्रॉपर्स एंड डमीज, मतलब उनको भी जो है क्लैट की प्रिपरेशन में अच्छा खासा टाइम हो गया लेकिन वो स्कूल नहीं जाते हैं, वो ड्रॉपर्स हैं या फिर डमी है। तो उनके लिए हर एक जो इंडिविजुअल है जो कि इस चार कैटेगरी में फॉल करता है उनसे हम जो है उनके बारे में जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल उनको क्या करना है। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो दैट इज़ अ ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम, कोचिंग में भी जो है ये टाइम टेबल काम आएगा लेकिन आपको इसमें जो है थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा टाइम विथ योर कोचिंग टाइमिंग्स। तो कोचिंग टाइमिंग्स आपकी क्या रहती है उससे आप जो है टाइम जो है थोड़ा सा एडजस्ट करके जो है इसको इस टाइम टेबल को जो है आप फॉलो कर सकते हैं। पहला है बिगनर्स जो कि अभी अभी जो है आए हैं क्लैट प्रिपरेशन में, पहला उनको क्या करना है, पहला जो ग्रुप है वो है दैट ऑफ स्कूल गोइंग। सो यू हैव टू फर्स्ट फेमिलाइज योर सेल्फ विद द क्लैट एग्जाम पैटर्न। एज वी ऑल नो द क्लैट एग्जाम पैटर्न हैज़ चेंज द प्रीवियस ईयर, द लास्ट ईयर there was a change in the CLAT exam pattern in the year of 2023. So, pehle there used to be 150 questions, now there are 120 questions. So, first you have to familiarize yourself with the CLAT exam pattern, how many sections are there, which all sections carry how much weightage, roughly how much weightage they carry, and what is the exam pattern, is it a comprehension based test or is it a knowledge based test in which you have been asked some legal facts or some other facts regarding the other sections. So it is basically a comprehension based test. So first of all you have to familiarize yourself with the CLAT exam pattern. Second is how do we tackle legal reasoning. So legal reasoning is altogether different ball game. You don't get to see the questions of legal reasoning in other exams other than that of undergraduate exams for law. Okay, you get to see GK or you get to see QT, that is maths, in other competitive exams as well, but you don't get to see questions of legal reasoning in other competitive exams. So you must read about how, or you must understand as to how legal reasoning works, because that is a prerequisite in order to score good in the legal section. Next is start with law of torts. See, law of torts is one of the easiest laws. So you'll have to start with law of torts. That will be a bit easier for you if you start with this topic. After you read the topic, say for example in law of torts there are many things, say for example you have read about vicarious liability. So after reading the topic solve 5 questions of legal reasoning on the same. Matlab maine jo hai vicarious liability padha, vicarious liability mein principle kya hai, kab jo hai master servant ke liye bhi jo hai liable hoga, to wo maine principle samajh liya. Principle samajhne ke baad jo hai main questions solve karunga uske. Questions मैं या तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लूं या फिर जो फ्री रिसोर्स मटेरियल वो सॉल्व कर लूं, अगर मैं कोचिंग जाता हूं तो कोचिंग में जो टॉपिक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं तो वो मैं जो है सॉल्व करके देख लूं कि मैंने वाइकिरिस का लाइबिलिटी एकदम
पूरी तरीके से समझा है कि नहीं समझा है। ठीक है, पांच लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस करने का ये बेनिफिट रहेगा कि इसमें आपको पता चल जाएगा कि वाइकेरियस लायबिलिटी आपने पूरी तरीके से समझी है कि नहीं है। अगर आपके इनमें से क्वेश्चंस गलत होते हैं तो वो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके क्वेश्चन गलत क्यों है, आपकी रीजनिंग जो है कहाँ पर गलत थी, जहाँ पर आपकी गलत निकलती है रीजनिंग उसको फिर जवाब रेक्टिफाई कीजिए। और ध्यान रखिए वही सेम मिस्टेक आप वापस रिपीट ना करें, इससे क्या होगा कि इससे आप पे आपकी जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे पकड़ जो है, दैट इज यू हैव अ गुड ग्रिप ओवर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द मिस्टेक एज टू वाई इट वॉज रॉन्ग। इफ यू आर मार्किंग द रॉन्ग आंसर, आइडेंटिफाई वाई योर रीजनिंग वॉज बैड और वाई योर रीजनिंग वॉज रॉन्ग इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दैट एंड रेक्टिफाई इट। नेक्स्ट इज रीड न्यूज़पेपर फॉर लीगल अपडेट्स। सो देर आर मेनी अदर्स मेनी सोर्सेज बिसाइड्स द हिंदू बार एंड बेंच, यू कैन रेफर दिस रेफर दोज फॉर लीगल अपडेट्स, बट यू शुड कीप इट एज सिंपल एज यू कैन अंडरस्टैंड और एज यू कैन कॉम्प्रीहेंड, डोंट गेट इन टू कॉम्प्लेक्स लीगल आर्टिकल्स, दैट विल नॉट बेनिफिट यू राइट नाउ। हमें जो है सिंपल से सिंपल, जितना सिंपल लैंग्वेज हमें कोई भी लीगल टॉपिक समझा दे वो वाला चीज़ जो है हमें रेफर करनी है। ओके, नेक्स्ट इज रिवाइज एवरीथिंग स्टडीड फॉर द वीक ऑन संडेज। मान लो कि मैंने लॉ ऑफ टॉर्ट्स में नेग्लिजेंस पढ़ा है, वाइकेरियस लायबिलिटी पढ़ा है, मैलिशियस प्रोसीक्यूशन पढ़ा है, तो ये सब जो है जितने भी मैंने टॉपिक्स पढ़े हैं वो मैं संडे को रिवाइज करूँगा। साथ ही साथ संडे को मैं वो भी रिवाइज करूँगा कि मैंने जो क्वेश्चंस सॉल्व किए थे वाइकेरियस लायबिलिटी पे, नेग्लिजेंस पे, मैलिशियस प्रोसीक्यूशन पे, तो वो जो मेरे क्वेश्चंस गलत हुए हैं उन गलत क्वेश्चंस का मैंने जो है रीजनिंग क्या लगाई थी, फिर मैंने कैसे सही किया था, वो रीजनिंग भी जो है मैं उसको मैं रिवाइज करने की कोशिश करूँगा। फिर आपको मॉक्स कितने देने, सी क्लैट इज़ अ बेसिकली एग्जाम ऑफ प्रैक्टिस, सो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर योर स्कोर विल इम्प्रूव, प्रोवाइडेड यू डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। सो यू हैव टू गिव, सिंस यू आर अ बिगनर यू हैव टू गिव वन मॉक पर वीक, यू कैन आइडेंटिफाई ऑन एनी विच ऑन एनी पर्टिकुलर डे यू कैन गिव अ मॉक एज पर योर कन्वीनियंस, फॉर मोस्ट ऑफ यू द मोस्ट कन्वीनियंट डे वुड बी संडे, सो यू कैन गिव अ मॉक ऑन संडे। यू हैव टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स दैट यू हैव मेड इन दैट पर्टिकुलर मॉक ऑन द डे इटसेल्फ, सो दैट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम मॉक आज दे रहे हैं और मिस्टेक्स जो हम दो दिन बाद में देख रहे हैं तो हमारी हम भूल जाते हैं कि हमने क्या रीज़न या क्या लॉजिक लगा के जो है वो आंसर या फिर जो ऑप्शन है वो टिक किया था। तो उसी दिन जो है आपको मॉक एनालिसिस भी करना है एंड ऑल्सो मेक अ मॉक डायरी, मेक अ मॉक डायरी। मॉक डायरी में आपको क्या करना है, आपको जो है पाँचों सेक्शन लिखने हैं, आपके हर एक मॉक में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, हर एक कितने सेक्शन में कितने मार्क्स आ रहे हैं, और अगर आपके मार्क्स एक पर्टिकुलर सेक्शन में कम हो रहे हैं या फिर आपने मान लो कोई मॉक दिया है तो आपने कौन सी मिस्टेक कमिट की है, अगर वो मिस्टेक कंसिस्टेंटली बार बार रिपीट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको उस मिस्टेक पे वर्क करना है, उस मिस्टेक पे वर्क करना है, उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है, उस मिस्टेक को सुधारना है। जब आप उसको सुधारेंगे तो आपका जो मार्क्स है वो ऑटोमेटिकली जो है इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो दैट इज़ द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, बिगिनर्स हु आर स्कूल गोइंग। नेक्स्ट, तो ये आपका जो है टाइम टेबल रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका स्कूल का जो टाइमिंग है, आई प्रिज्यूम दैट योर स्कूल टाइमिंग शुड मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम 7 to 2 और 7 to 3, दैट इज़ द रफ अमाउंट जिसमें आप जो है ट्रैवलिंग का भी टाइम जो है इंक्लूड कर रहे हैं। तो रफली जो है आप 3 PM तक फ्री होंगे, फिर थोड़ा बहुत जो है खाना वाना खाएंगे और रेस्ट करेंगे। तो हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन 4 to 5 PM से। 4 to 5 PM में सबसे पहले हमें क्या करना है, न्यूज़पेपर विद DNA, DNA इज़ डेली हिंदू एनालिसिस, तो न्यूज़पेपर आप साथ में रखिए। ऑल्सो रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ एन आर्ट when इट कम्स फॉर क्लैट प्रिपरेशन। हमें जो न्यूज़पेपर है वो A to Z पूरा जो है नहीं पढ़ना है, कितना रेलेवेंट है हमारे लिए वो हमें पढ़ना है, ठीक है। और कितना रेलेवेंट हमें कैसे पता चलेगा, हम लोग जो है DNA देखेंगे, दैट इज डेली हिंदू एनालिसिस, दैट विल बी अवेलेबल ऑन लॉ प्रेप ट्यूटोरियल चैनल एज वेल। तो आप न्यूज़पेपर लीजिए और न्यूज़पेपर के साथ साथ जो है DNA देखते रहिए, उससे आपको क्या होगा कि आपको धीरे धीरे जब पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक मुझे पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक मुझे छोड़ने हैं। नेक्स्ट इज 6 to 7, क्योंकि हमने देखा है कि अभी आप बिगनर हैं, अभी आपकी जो है प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है, तो आपको लॉ ऑफ टॉट्स से जो है स्टार्ट करना चाहिए। तो 6 to 7 PM यू हैव टू स्टडी लॉ ऑफ टॉट्स। नेक्स्ट इज आपको जो थोड़ा ब्रेक देना 7 to 8, और फिर जो आपको है 8 to 9 आपको क्या करना है, सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ लीगल रीजनिंग ऑन द टॉपिक स्टडीड। जो जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं ना, जैसे उस दिन लॉ टॉट्स पढ़ा है, तो लॉ टॉट्स में आपने जो है पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा है, जैसे कि मान लीजिए नेग्लिजेंसी पढ़ा है या ट्रेसपास पढ़ा है, तो ट्रेसपास के आप जो है क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चंस फ्री रिसोर्स मटेरियल आपको जो है नेट पे मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा, और अगर आप कोचिंग में हैं तो उसमें जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वो क्वेश्चंस आपको जो है सॉल्व करने हैं।
ठीक है, डेली जो है ऐसा करना है। अब इसमें जो बीच में टाइम दिया हुआ है, दैट टाइम वुड बी यूटिलाइज फॉर अदर सेक्शंस एंड दैट वुड बी मेड नोन टू यू इन अ शॉर्ट वाइल। ओके, सो हमें अभी हम बिगनर है तो हमें ये टाइम देना है और ये धीरे धीरे इंक्रीज ही होगा। ठीक है, तो पहले पहले जो है हम एक साथ ही इंक्रीज नहीं करते, एक साथ ही जो है 5-6 घंटे नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे जो है प्रोग्रेसिव वर्कलोड जो है वो बढ़ाएंगे। तो अभी वी विल बी स्टडिंग फॉर 3 आवर्स अ डे बिकॉज वी आर बिगनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिगनर्स हु आर ड्रॉपर्स और डमी बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, दे हैव मोर टाइम विद देम एंड सो दे शुड डिवोट देयर मोर टाइम फॉर देयर क्लैट प्रिपरेशन। तो फर्स्ट, पहले के कुछ एक पॉइंट्स तो सेम ही है क्योंकि आप बिगनर हैं, तो आप पहले ये, अगर मैं कहीं पे भी जाऊंगा, मैं कुछ भी जो है नया कर रहा हूँ, इफ़ आई एम टेकिंग ऑन एनी एंडेवर, इफ़ आई एम टेकिंग ऑन एनी टास्क, तो पहले मैं टास्क को आइडेंटिफाई करूँगा। सेम गोज़ विद दिस क्लैट प्रिपरेशन। अगर मैं बिगनर हूँ तो भले ही मैं ड्रॉपर हूँ या मैं स्कूल गोइंग हूँ, सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि क्लैट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्लैट में एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है। तो जब मुझे पता होगा कि पूछा क्या जा रहा है, तभी जाके जो है मैं ढंग से जो उसको टैकल कर पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्लैट एग्जाम पैटर्न क्या होता है उसको मैं देखूंगा। उसको देखने के बाद सेम लीगल रीजनिंग कैसे वर्क करती है, जैसे अभी हमने देखा कि लीगल रीजनिंग इकलौता ऐसा सेक्शन या ऐसा जो है पार्ट ऑफ एग्जाम है जो कि सिर्फ और सिर्फ लॉ के एग्जाम से पूछा जाता है, अदर एंट्रेंस एग्जाम्स में वो नहीं पूछा जाता, अनलाइक जीके एंड मैथ्स। जीके और मैथ्स जो है वो दूसरे एग्जाम्स में भी जो है अंडर ग्रेजुएट या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो जनरली वो पूछे जाते हैं, लीगल रीजनिंग जो है सिवाय लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो कैसे वर्क करता है ये वो जानना जरूरी, दैट इज ऑल्सो एन आर्ट। नेक्स्ट इज स्टार्ट विद लॉ ऑफ डॉट्स, जो कि स्कूल गोइंग के लिए वही सेम रहेगा, ड्रॉपर्स और डमी के लिए थर्ड पॉइंट। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डॉट्स इज अ कंपेरेटिवली बिट ईजी, तो आप लॉ ऑफ डॉट्स से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आपने टॉपिक पढ़ लिया, उसके ही जो है 5 क्वेश्चन आप वापस कीजिए। मैंने जो है मान लीजिए मैलिशियस प्रोसिक्यूशन पढ़ा, टॉपिक पढ़ लिया मैंने, अब टॉपिक पढ़ने के बाद मैं उसके 5 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। रिसोर्सेज का भी हमने देखा कि कैसे जो हमें रिसोर्सेज कलेक्ट करने। फिर है रीड न्यूज़पेपर फॉर लीगल अपडेट्स, जो न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स आ रही है, जैसे कि अभी जो है कुछ एक महीने पहले जो है हमने देखा था कि जो LGBTQ वाले हैं उनको जो है उनके मैरिज को जो है लीगल रिकग्निशन नहीं दिए, मैरिज को फंडामेंटल राइट नहीं माना है, 15 फरवरी को जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का था, तो ऐसे जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो हमें देखने, ठीक है, वो न्यूज़पेपर में हमें देखने। फिर उसके बाद क्योंकि हम लोग जो हैं स्कूल गोइंग से ज़्यादा हमारे पास टाइम है, स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ज़्यादा हमारे पास टाइम है, तो हमें वो ज़्यादा टाइम जो है डिवोट भी करना है फॉर आर क्लैट प्रिपरेशन। तो आप जो है वेबसाइट्स को विज़िट कीजिए, वेबसाइट्स को विज़िट करके जो है लीगल आर्टिकल्स पढ़िए, ऐसी वेबसाइट्स ढूंढिए जो कि लीगल कॉम्प्लेक्स लीगल आर्टिकल्स को सिंप्लीफाइड वे में आपको समझा के दे। ठीक है, उसके बाद आपने वो समझ लिया तो उसकी जिस्ट लिखिए, मतलब एग्जैक्टली आपने समझा क्या है, और साथ ही साथ आपने वो लीगल आर्टिकल पढ़ तो लिया लेकिन उस लीगल आर्टिकल में कौन सा लीगल प्रिंसिपल लगा है वो भी जानना आपको ज़रूरी है, वो भी आपको लिखना जो है वो ज़रूरी है। उसके लिए आप एक अलग नोटबुक मेंटेन कर सकते हैं, और क्योंकि आप अभी नए हैं, यू आर अ बिगनर टू दिस क्लैट प्रिपरेशन, सो यू मस्ट स्टार्ट विथ 1 mock per week एंड द डे यू कैन चूज ऑफ योर कन्वीनियंस, फॉर मोस्ट ऑफ अस इट वुड बी संडे, सो यू कैन गिव अ मॉक ऑन संडे, यू हैव टू एनालाइज योर मिस्टेक्स दैट यू आर कमिटेड ऑन द सेम डे एंड यू हैव टू ऑल्सो मेंटेन अ मॉक डायरी एज मेंशन प्रीवियसली। ओके, सो मॉक डायरी इज लाइक अ बून फॉर एवरी क्लैट एस्पिरेंट। तो मॉक डायरी इज अ मस्ट, मॉक डायरी, यू शुड हैव अ मॉक डायरी सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन राइट डाउन योर मिस्टेक्स, यू कैन prevent yourself from committing the same type of mistakes again and again. So you have to, in order to excel in CLAT preparation, you must have a mock diary. Okay? So mock diary is an essential. Next comes the timetable for droppers and dummies. These are droppers and dummies who are beginners. Okay? So first of all, you have to read the newspaper. So reading newspaper is a daily habit. Just like you are eating daily in order to sustain yourself, in the same way, in order to excel in your CLAT preparation, in your CLAT exam, you must read newspaper daily. So since you are a beginner, you should read newspaper with DNA, that is Daily Hindu Analysis. It will give you an idea as to how and as to which all portion of the newspaper you must read.
यू डोंट हैव टू रीड द होल न्यूज़पेपर, यू ओनली हैव टू रीड द रेलेवेंट पोर्शन ऑफ द न्यूज़पेपर. सो द हिंदू अलॉन्ग विथ DNA. सेकेंड दैट इज़ फ्रॉम 12 to 1 PM. यू हैव टू स्टडी लॉ ऑफ टॉट्स. लॉ ऑफ टॉट्स यू चूज वन टॉपिक ऑफ लॉ ऑफ टॉट्स एंड देन स्टार्ट रीडिंग इट एंड अंडरस्टैंड इट. नेक्स्ट इज फ्रॉम 4 to 5 PM. इन दिस टाइम फ्रेम यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द टॉपिक स्टडी विच इज लॉ ऑफ टॉट्स. सो यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन इन ऑन लॉ ऑफ टॉट्स. नेक्स्ट इज फ्रॉम 8 to 9 PM. इन दिस यू हैव टू रीड लीगल आर्टिकल्स, रेफर एनी वेबसाइट्स और एनी रेफर एनी वेबसाइट्स एंड राइट देयर जस्ट एंड आइडेंटिफाई एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द लीगल प्रिंसिपल्स दैट हैव बीन गिवन और दैट हैज बीन गिवन इन द लीगल आर्टिकल्स. ओके दैट इज वॉट यू हैव टू डू. अब ये इसमें देर आर ओनली 4 hours. दैट डजेंट मीन यू हैव टू स्टडी ओनली 4 hours. दिस इज दीज 4 hours शुड बी डेडिकेटेड टू लीगल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ओके अदर सेक्शंस और अदर सब पार्ट्स ऑफ द क्लैट प्रिपरेशन और क्लैट सिलेबस विल बी डिस्कस्ड बाई अदर फैकल्टीज एज वेल. ओके सो यू हैव टू डिवोट 4 hours फॉर लीगल प्रिपरेशन. नेक्स्ट इज दोज हु आर एक्सपीरियंस. बाई एक्सपीरियंस आई मीन दे हैव अ रफ नॉलेज ऑफ वॉट क्लैट एग्जाम इज, हाउ द क्वेश्चन आर आस्ड एंड दे हैव गिवन और दे आर प्रिपेरिंग. सो दे आर फेमिलियर विद द मॉक्स दैट हाउ दे हैव टू अटेम्प्ट द मॉक्स. सो दोज कम इन टू द कैटेगरी ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन और एक्सपीरियंस एस्पिरेंट्स. सो इन एक्सपीरियंस एज वेल देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स और देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स. फर्स्ट इज स्कूल गोइंग एंड द अदर वुड बी ड्रॉपर्स एंड डमी. सो वेन यू आर अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिवाइज द टॉपिक दैट हैव बीन टॉट और स्टडीड इन द प्रीवियस मंथ. सो वी हैड टाइम टेबल फॉर प्रीवियस मंथ एज वेल, दैट वॉज फॉर द मंथ ऑफ मार्च. सो यू हैव टू रिवाइज द टॉपिक्स दैट यू स्टडीड इन द प्रीवियस मंथ बिकॉज revision is also a must. Next is solve 10 legal reasoning questions on same topic. That is, all the topics that you have read or you have studied in the last month, you have to solve at least 10 legal reasoning questions on each topic so that you are fully prepared with that particular topic. Coming to the third point, study any 3 topics each of torts or contracts and solve questions on the same. If your torts is complete, then you have to solve on contracts. If your contracts is complete, then you have to solve on law of torts. If both of them are complete, then you have to solve on law of crimes. And if that is also complete, then you have to solve on constitutional law. Okay? Accordingly, आपको जो है preparation जो है वो करनी है. Next is read legal articles, identify the principles and write it down. आपको जो है websites visit करनी है. Websites पे legal articles जो है वो पढ़ने हैं. लीगल आर्टिकल्स में एग्जैक्टली प्रिंसिपल, लीगल प्रिंसिपल क्या है, उसके पीछे क्या प्रिंसिपल छुपा हुआ है वो आपको आइडेंटिफाई करना है. और एक अपनी जो जैसे बताया कि एक नोटबुक जो रखनी है उसमें आपको लीगल प्रिंसिपल जो है वो आपको जो है लिखना है. नेक्स्ट कम्स रीड 1 judgment per week. अब ये 1 judgment per week कोई रैंडमली जो है केस लॉ को नहीं उठाना, उसके जजमेंट नहीं पढ़ना है. जो फेमस केस लॉज है उनके आप जो है जजमेंट पढ़िए और एक हफ्ते में एक ही पढ़ना है. ठीक है, एक हफ्ते में अभी एक पढ़ना है. हम धीरे धीरे जो उसको इंटेंसिटी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हम बढ़ाएंगे. अब क्योंकि आप जो है एक्सपीरियंस्ड हैं, बिकॉज यू आर एक्सपीरियंस्ड यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ हाउ क्लैट एग्जाम वर्क्स और हाउ क्लैट पेपर इज, तो आपको जो है क्या करना है, नंबर ऑफ मॉक्स क्या देना है, 1. नंबर ऑफ मॉक्स आपको एक देना है, उसके साथ साथ आपको एक टॉपिक टेस्ट भी देना है. अब टॉपिक टेस्ट कौन से, जो कि आपने टॉट्स के पढ़े, तो एक टॉपिक पे एक टेस्ट, एक टॉपिक पे एक टेस्ट. ओके दैट द मॉक कैन बी ऑन संडे और द टॉपिक टेस्ट कैन बी ऑन एनी अदर डे. ओके सो नेक्स्ट इज जो है टाइम टेबल ऑफ एक्सपीरियंस हु आर स्कूल गोइंग. तो 4 to 5 जैसे अभी हमने देखा कि 7 to 3 मैं एक विंडो लेके चल रहा हूँ जिसमें जो है बच्चे जो है दे आर जनरली स्कूल या फिर जो है ट्रैवलिंग में होते हैं. ठीक है, तो हम 4 PM से अपनी जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे. 4 to 5 PM न्यूज़पेपर विद DNA. न्यूज़पेपर इज़ अ मस्ट, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा. और डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भले ही आप एक्सपीरियंस हो लेकिन फिर भी जो है आपको जो है दैट विल गिव यू एन एक्स्ट्रा एडवांटेज. तो डेली हिंदू एनालिसिस के साथ आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है. फिर 5 to 6 PM आपको क्या करना है, लॉ ऑफ टॉट्स पढ़ना है, लॉ ऑफ टॉट्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंडिंग अपॉन कि आपके कौन सा टॉपिक हो चुका है. नेक्स्ट इज 7 to 8 PM. 7 to 8 PM आपको क्या करना है, रिविजन ऑफ द टॉपिक स्टडीड प्रीवियस मंथ एंड सॉल्विंग क्वेश्चंस. पिछले हफ्ते यानी फॉर द मंथ ऑफ मार्च ऑल द टॉपिक्स दैट यू हैव स्टडीड यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन द सेम. एंड रिगार्डिंग द रिसोर्सेज यू कैन हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू कैन हैव फ्री मटेरियल्स अवेलेबल ऑन द वेबसाइट्स और इफ यू आर एनरोल्ड इन अ कोचिंग देन यू कैन अवेल द सेम.
नेक्स्ट इज 9 to 10 PM. 9 to 10 PM में आपको क्या करना है, लीगल आर्टिकल्स पढ़ने हैं, उनकी जिस्ट लिखनी है और उनका प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना है. प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करके आपको जो है वो लिखना है प्रिंसिपल भी. दैट इज फॉर एक्सपीरियंस क्लैट एस्पिरेंट्स हु आर स्कूल गोइंग. नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस हु आर ड्रॉपर्स. एक्सपीरियंस भी हैं कि मतलब उनको पता है, उनको जो है अच्छा खासा टाइम हो गया फॉर क्लैट प्रिपरेशन और वो लोग स्कूल नहीं जाते, वो ड्रॉपर्स या डमी हैं, तो उनको क्या करना है. सेम फर्स्ट पॉइंट रिमेन्स द सेम. प्रीवियस मंथ मार्च में जो है आप लोगों ने जो जो टॉपिक्स पढ़े वो आपको पढ़ने हैं, आपको रिवाइज करने हैं. फिर उन्हीं पे जो है 10 questions लीगल questions करने हैं, ताकि आपको जो है जो आपने पिछले महीने पढ़ा है वो आपका वापस जो है वापस से जो है पूरा रिवाइज हो जाए. सेम स्टडी एनी 3 topics ईच ऑफ टॉट्स एंड कॉन्टेक्ट्स वीक एंड सॉल्व क्वेश्चंस ऑन द सेम. एक टॉपिक लिया टॉट्स का वो पढ़ा, कॉन्टैक्ट का एक लिया वो पढ़ा, और फिर जो है उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने. क्वेश्चन सॉल्व पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करने का ये फ़ायदा है कि आपको कई बार जो है आपने पढ़ लिया लेकिन वो अप्लाई कैसे होगा वो पता चलता है हमें क्वेश्चन सॉल्व करके. तो क्वेश्चन सॉल्व करने से जो है हमें पता लग पाएगा कि लीगल प्रिंसिपल अप्लाई कैसे होता है. तो हमें सिर्फ और सिर्फ लीगल प्रिंसिपल पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, हमें जो है मगअप नहीं करना है, हमें लीगल प्रिंसिपल अप्लाई कैसे होता है वो देखना है. बिकॉज दैट इज व्हाट द क्लैट डिमांड्स फ्रॉम अस. हमें जो एक पैसेज दिया गया होता है उसमें लीगल प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना होता है और वो जो क्वेश्चन दिए होते हैं, जो सिचुएशन दी होती है उन पर हमें अप्लाई करना होता है. तो लीगल प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई करना और अप्लाई कैसे होगा, दैट इज अ मस्ट. नेक्स्ट इज रीड लीगल आर्टिकल्स, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल एंड राइट इट डाउन, और रीड 1 judgment पर वीक. यू कैन इंक्रीज द सेम फॉर 2 judgments पर वीक बिकॉज since you are not a school going child, that's why you can devote your extra time for reading judgments. और judgments भी वो पढ़ने हैं जो कि landmark judgments है. Next comes number of marks कितने देने हैं. Number of marks जो आपको देने हैं 1 per week. और number of topic test, क्योंकि उनको जो है वो लोग जो है स्कूल जाते हैं but you are a dropper or a dummy, you have to give 2 topic tests per week. ठीक है, एक topic लिया उसके ऊपर जो है दो टेस्ट जो है हमने दिए. अब उस 2 topic tests में जो है मैक्सिमम आप 10 questions सॉल्व कर सकते हो. सो दैट इज द रिक्वायरमेंट और दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू. और आपका जो है टाइम टेबल क्या रहेगा, टाइम टेबल आपका रहेगा बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, तो आपका न्यूज़पेपर का जो टाइमिंग रहेगा वो दैट विल बी 10 to 11 AM, जिसमें आप जो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे विद डेली हिंदू एनालिसिस. ओके, और डेली न्यूज़ एनालिसिस. नेक्स्ट इज 12 to 1 PM. 12 to 1 PM आपको क्या करना है, या तो लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट पढ़ो या लॉ ऑफ टॉट्स पढ़ो, दोनों में से डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन सा टॉपिक बाकी है. 3 to 4 PM आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना है उन्हीं पे जो कि आपने 12 से 1 पढ़े, मतलब 3 से 4 में आपको क्या करना है, लॉ ऑफ टॉट्स या लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट से जो क्वेश्चन सॉल्व करना है. 4 to 5 में आपने जो पिछले महीने जो मार्च में आपने टॉपिक्स पढ़े थे उनके क्वेश्चन लेने, उनके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने, तो रिविजन करना है, रिविजन के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने. और 9 to 10 यानी रात को क्या करना है, 9 to 10 PM आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड लीगल आर्टिकल्स, राइट देयर जिस्ट एंड आइडेंटिफाई देयर प्रिंसिपल्स एंड राइट इट डाउन. तो लीगल आर्टिकल पढ़ना हो, लीगल आर्टिकल में जो लीगल प्रिंसिपल दिया गया है वो आपको आइडेंटिफाई करना है. सो दैट इज ऑल रिगार्डिंग आवर क्लैट स्ट्रेटजी फॉर लीगल रीजनिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. आई होप दैट दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू. आपको जो रिसोर्सेज जो है पहले ही कलेक्ट कर लेना है, ताकि आपको जो है बाद में आप पढ़े तो आपको जो है बहुत स्मूथ तरीके से जो आप पढ़ भी पाएँ और क्वेश्चंस भी जो है वो आराम से जो आप सॉल्व कर पाएँ. सो दैट्स ऑल फॉर द स्ट्रेटजी और द टाइम टेबल फॉर लीगल रीजनिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. सो वी विल मीट नेक्स्ट टाइम फॉर द सेम टाइम टेबल, दैट विल बी फॉर द मंथ ऑफ मे. टिल देन टेक केयर एंड फॉलो दिस टाइम टेबल और फॉलो दिस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रिलीजियसली. थैंक यू एवरीवन.